ना गाइस, जो हमारा हथियार है ये रहा, ठीक है। एंड जो इसका गोली है, ये मिट्टी से बनाया हुआ गोली भाई। जो पहला शिकार ये रहा, सो इसको लेकर जाएंगे अभी। और भी इसी तरह कैसे शिकार करना है हमें। ये कोई चूहा नहीं है, ये एक गिलहरी है, गिलहरी। तो सबसे पहले गड्ढे के अंदर धुआं करेंगे। जब धुआं अंदर चला जाएगा तो वो वैसे भी खुद मर जाएगा धुएं की वजह से, तब हम इसको हाथ डाल के बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो वो हमारे हाथ पर खमोखा काट देगा भाई। एंड भाई जरा नज़ारा देखो भाई, ओह हमारा गांव का नज़ारा। एंड यहाँ से बिल्कुल सब जंगल। एंड अभी इसी जंगल के अंदर जाएंगे हम, शिकार करेंगे, ढूंढेंगे। एंड बाय द वे, वो जो गांव देख रहे हैं ना, वही हमारा गांव। हेलो ब्यूटीफुल व्यूवर्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज जा रहे हैं अपना भाई शिकार करने के लिए, ठीक है। तो अपना भाई रायदा से सीधा अभी हो चुका है शिकार। तो आप लोगों को दिखाएंगे कौन किस तरह से शिकार करते हैं। एंड उसके बाद, उस शिकार करने के बाद खाकर दिखाएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहना। एंड बाय द वे, वीडियो आ ही गए तो चैनल का वेलकम करती है। तो कैसे हो आप सभी लोग, आप सभी को शॉर्ट कट हो मेरा नई चैनल ब्लू राइडर पर। अगर आप लोगों ने अभी तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि मेरा इसी तरह का हर नया नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। सो अपना भाई ने ऑर्डर किया है ये अपना चेस पर लगाने के लिए। तो अपना फ़ोन को यहाँ पर फिक्स करूँगा एंड शिकार पर भागूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पीछे कर रहा हूँ तो ग्रह साला भाई, मिल गया। थी। भाई जो पहला शिकार ये रहा, ने सो इसको लेकर जाएंगे अभी। और भी इसी तरह कैसे शिकार करना है हमें। ये कोई चूहा नहीं है, ये एक गिलहरी है, गिलहरी। एंड ना गाइस, जो हमारा हथियार है ये रहा, ठीक है। एंड जो इसका गोली है, ये मिट्टी से बनाया हुआ गोली इसका। एंड अभी जंगल के अंदर आ रहा हूँ और भी ढूंढने के लिए। सो ध्यान से देखकर चलना पड़ेगा, कहीं पर भी छुपकर रह सकता है, इस पेड़ पर भी रह सकता है, या फिर इस तरफ भी रह सकता है। तो हमेशा कान आँखें को खुले करके जाना पड़ता है। एंड गाइस, ये मेरा बिग फैन कुछ दोस्त लोग। हाँ भाई, इसका लाइक करो भाई, शेयर करो, सब करो। और ये कह रहा है उसका घर का आगे का फिगर, मतलब कि आगे का दिखाने के लिए। एंड ये बोले रो, एंड वो भी हमारे तरह के कुछ काम करते हैं। अभी पानी का टंकी लेकर आ रहा है, ये देखो भाई, पानी का टंकी है अंदर। हम लोग ऐसा भी करते हैं, मान ले बहुत पैसा मिलता है। इसका भी लाइक करो, सब कुछ करो भाई इसको। चलते चलते। एंड भाई जब ये है मेरा हथियार, ठीक है, तो इनसे ही हम गिलहरी का शिकार करते हैं। एंड उसके बाद उसको घर पर लेकर जाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। आप लोगों को एक बार शेयर कर देता हूँ भाई, गिलहरी है ना, उसका जो स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओ भाई थकान हो गया, मुश्किल से एक देखा, वो भी कहाँ भाग गया पता नहीं चला। एंड अभी फिर से चल रहा हूँ रास्तों पर, एक और लोकेशन एंड उसके बाद दूसरा लोकेशन, इसी तरीके से धीरे धीरे करके जाएंगे। एंड कहाँ पर मिलता है वहाँ ढूंढते, ठीक है। एंड कभी कभार ये जो बेम्बो का अंदर है ना, बेम्बो का पैरों पर भी रह सकता है ये लोग। गिलहरी है भाई, क्या कहना, गिलहरी लोगों का। एक पैर से उस पैर पर कहाँ कब पहुँच जाएगा वो भी पता नहीं चलेगा। और हम त्रिपुरावासी लोग कुछ इसी तरह से शिकार करने निकल जाते हैं। लिंगापा खेल
भाई वो धागे वो देखो, ए भाई भाग गया भाग गया भाग गया, फिर से भाग गया एंड फिर से निशाना यहाँ पर चुके भाई वो देखो आ खाई ना। सो ये है शिकारी नंबर वन, हमारा शिकारी नंबर वन ये है। एंड भाई तभी गाइस सब लोग को इस तरह से घूम घूम कर क्या कहूँ कि पूरा ब्लॉग भी तो देखा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि अभी अपने पास कोई बाइक भी नहीं है, जो अपना साइकिल था उसको भी ठीक करना पड़ेगा, तो ठीक करने के लिए मुझे काम पर भी निकलना पड़ेगा इसलिए। एंड जब मेरा साइकिल ठीक हो जाएगा तब मैं अपनी साइकिल से ब्लॉग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। एंड पीछे की तरफ देखो भाई प्यारा सनसेट थोड़ा सा दिखा देता हूँ, प्यारा सनसेट देखो भाई है। एंड भाई जरा नज़ारा देखो भाई, ओह हमारा गांव का नज़ारा। एंड यहाँ से बिल्कुल सब जंगल, एंड अभी इसी जंगल के अंदर जाएंगे हम, शिकार करेंगे ढूंढेंगे। एंड भाई दावे वो जो गांव देख रहे हैं ना वही हमारा गांव, एंड वहाँ पर हम खेती बाड़ी करके खाते हैं। एंड यह है जंगल, एंड अपने दोस्त लोग आगे जा चुके हैं, सो मुझे भी आके आगे निकलना पड़ेगा भाई। सो जो दगिया है वो ये रहा भाई। एंड इससे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये अपना पापा का है, अपना पापा का ये हमारा लैंग्वेज से हम इसको कहते हैं, अपने लैंग्वेज से कहते हैं खोलजा, ब्रू लैंग्वेज से हम इसको कहते हैं खोलजा, ठीक है। एंड और ये क्या पता मुझे हिंदी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं भाई, सो ऐसा लगता है गुलेर पता नहीं क्या वगैरह वगैरह क्या कहते हैं, लेकिन हमारा लैंग्वेज में इसको कहते हैं रबट रबट, ठीक है। सो अगर आप लोग को अपने अगर आप लोग को हिंदी लैंग्वेज से इसको क्या कहते हैं आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। एंड आगे वो लोग जा चुका है तो हम भी जाते हैं उसके पीछे पीछे। एंड भाई दावे अभी जंगल पर जाने का प्लान था लेकिन उसको क्या कर दिया हमने कैंसिल, क्योंकि जंगल के अंदर जाकर कुछ नहीं मिलने वाला, वापस ही अब सिर्फ पक्षी मतलब पक्षी वगैरह वगैरह। तो अभी आ चुका है सीतांगी गांव पर, सीतांगी बस्ती इस गांव का नाम है, इस विलेज का नाम है सीतांगी बस्ती। तो हम लोग आ गए हैं सीतांगी और हमारे लैंग्वेज है सीतांगी पारा। एंड अभी आ चुका है सीतांगी विलेज पर, ठीक है भाई। थकान है, सोच सोच कर भी मुझे हंसी लगता है भाई, रायदा से सीधा हो गया शिकार। क्या भाई कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। एंड छोड़ो इस बार को, आप लोग वीडियो का मजे लो, अभी मेरा सांस फूल रहा है भाई, तो ज़्यादा बात नहीं कर सकता, जब थकान दूर हो जाता है तब मैं बात करूँगा इसी तरीके से। तब तक के लिए आप लोग वीडियो पर बने रहना। एंड आगे तरफ पहला एक दो तीन हमारा तीन लोग और मेरे से मिलाकर टोटल चार लोग। सो अभी चल रहा हूँ भाई अपने हथियार को लेकर, अपना गन, ये हमारा गन है भाई, सफेसर वाला साइलेंट वाला गन, ठीक है। ओए रो फटी उल्टा फिर एम जी अब भाई एक तो गिरा भाई साहब भाई, अभी अभी एक मिला, अपने भाई ने खुद मारा है भाई, उसको अभी भी जिंदा है, वो अपनी पूंछ हिला रहा है। यहाँ पर एक मरा था भाई, ये रहा मिल गया भाई साहब, उठाते हैं आप लोग को देख रहे वो है। एंड भाई ये देखो भाई जो प्याला अपने भाई ने खुद मारा है, अभी भी खून है। तो सबसे पहले गद्दे के अंदर धुआं करेंगे, जब धुआं अंदर चला जाएगा तो वो वैसे भी
खुद मार जाएगा धुएं के वजह से, तब हम इसको हाथ डाल के बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो वो हमारे हाथ पर खामोखा काट देगा भाई। एंड कितना मिला भाई पहले दिखा देता हूँ, ये रहा 1 2 3 4 उनको पुस्तम बता रहा, पुस्तम बता दे, पुस्तम 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 बता दे, उनको ते एंड देखो भाई 4 4 रोमडे जेने महा मैं ना मैंने किस वजह से खेलना।